वेलकम टू पांडा मशीन्स। आज हम लोग एक नए प्लांट में आए हैं। ये ऑटोमेटिक 30 BPM प्लांट है। ये इधर जार सेक्शन है, जार फिलिंग सेक्शन 20 लीटर का। स्टोरेज टैंक है, ये चीलर है, ये बॉटल वॉशिंग मशीन है। इसमें आप मैनुअली वैसे टैप लगा के जैसे आप मैनुअली नल से बाल्टी में पानी भरते हैं वैसे ही भरना है, भर के मैनुअली कैप लॉक करना है। ये जार फिलिंग सेक्शन के बाद में ये इधर आपका शुरू हो जाता है आरओ से आपका उधर बॉटल ब्लोइंग के बाद में फिर वॉशिंग फिलिंग कैपिंग होके बैच कोडिंग लेबलिंग होके बंडल पैकिंग ग्रुप पैकिंग श्रिंक रैपिंग होगा। 200 ml से 2 लीटर तक आप इसमें भर सकते हैं बॉटल। ये इनफीड एयर कन्वेयर है, बॉटल एयर ब्लोअर में ऐसे छोड़ना है, बॉटल यहाँ से ट्रैवल करके ये बॉटल यहाँ गाइड में जाके यहाँ अपसाइड डाउन होके ये बॉटल वॉशर में आपका वॉश होगा। देखिए पानी निकल रहा है, वॉश होगा। वॉश होने के बाद में फिर यहाँ से गाइड में ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके फिर ये फिलिंग टैंक में ये जो नोजल में फिल होगा। जितना भी आप डिजायर्ड बॉटल छोड़े रहेंगे, 200 ml रहेगा तो 200 ml भरेगा, 2 लीटर रहेगा तो 2 लीटर तक भरेगा। फिर गाइड से आउटफिट होके यहाँ पर कैप, ये कैप का सूट है, वहाँ से कैप एलिवेटर लगा है, नीचे से कैप उठा के ये कैप 1x1 यहाँ से डिस्पेंस होगा। कैप ऑटोमेटिक लेगा, फिर ये कैपिंग हेड है, कैप टाइट करके ऑटोमेटिक बॉटल बाहर निकलेंगे। बॉटल बाहर निकलने के बाद में ये स्लाइडर दिया गया है ऑटोमेटिक, मतलब बॉटल का हाइट कम बेसी अगर होगा, छोटा बड़ा बॉटल आप जब चलाएंगे तो ये कन्वेयर का हाइट एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये स्लाइडर का ही हाइट आप इधर उधर ऊपर नीचे करके ये जो दिया है अपना हाइट एडजस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप अपना नट को नीचे ऊपर करके स्लाइडर को का हाइट को कम बेसी कर सकते हैं। ये 1 लीटर के हिसाब से एडजस्ट हुआ है। 200 ml जब करेंगे नट को नीचे ले आएंगे 200 ml का हाइट के, डायरेक्ट वो आउटफिट कन्वेयर में निकल जाएगा। कन्वेयर का हाइट आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन लाइट है, बॉटल में कुछ डस्ट पार्टिकल चेक करना है। ये स्प्रिंग टनल है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिया है, आउट कन्वेयर हीटर ये सब ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया है। तो यहाँ पर मैनुअली ये जो स्टिकर है, ये आप स्टिकर मैनुअली बॉटल में डाल देना है, डालने के बाद में ये हीट श्रिंक हो जाएगा बॉटल में। ये हमारा ग्रुप श्रिंक रैपिंग मशीन है, बंडल पैकिंग मशीन है। यहाँ पर आप बॉटल रख के ये पुश बटन को प्रेस करेंगे, पहले तो आप पावर ऑन करेंगे, हीटर ऑन करेंगे, उसके बाद बॉटल रख के फिर आपको पुश बटन प्रेस करना है। ये श्रिंक टनल है, यहाँ पर आप कन्वेयर का स्पीड, हीटर, ब्लोअर ये सब का रेगुलेट कर सकते हैं स्पीड। ये टेम्परेचर कंट्रोल है, मल्टी स्पैन का ही हम लोग यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी मॉडल है हमारा। ये डबल एयर ब्लोअर है हमारा, बॉटल एक बार एग्जिट कन्वेयर में, रोलर कन्वेयर में जब निकलता है तो वो प्लास्टिक को ठंडा करने के लिए एयर ब्लोअर ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग डबल एयर ब्लोअर लगाते हैं बॉटल को ठंडा रखने के लिए। ये देखिए ग्रुप श्रिंक हुआ है हमारा बंडल, कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं, इसको नीचे गिरा के भी देख सकते हैं कितना स्ट्रांग है। तो ये है ऑटोमेटिक 30 BPM प्लांट का टोटल वीडियो, कैसा लगा आप हमें बताइए ज़रूर, और डिटेल जानकारी के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।